दुनिया जहां के औसाफ को देखने के बाद इस नाम ने तत्मईनुल कुलूब का दावा किया। ये जो इत्मीनानुल कल्ब है ना, और मोमिन की पर्सनैलिटी का क्लास ही यही है, वत्मैनु बेहानी होता, वो इत्मीनान होता है उसका, कि वो इतनी तमानीनत होती है उसमें, इतनी स्टेबिलिटी होती है कि आगे चाहे जिस मियार की चीज खड़ी हो उसके आगे हिलेगा नहीं अपनी जगह। मेरे ख्याल से इसको हम आज एक और डायमेंशन में भी लेके जाएंगे कि ये एक कैरेक्टर की, स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की, अपने आप की फाइंडिंग की, अल्लाह को जानने की, कायनात की एक पूरी हैसियत की और इसके अंदर अपनी प्लेसमेंट की एक बहुत इतना बड़ा नक्श है ये इंसान का कि जो उसका इत्मीनान हिल गया अगले की उस वसफ को देख के, उस एट्रीब्यूट को देख के, उस नेमत को देख के, उस शय को देख के, इत्मीनान हिलना नहीं चाहिए। और इस्लाम का दावा जो था ना, वो इंसान की नफ्सियात को वो स्टेबिलिटी देना था कि वो किसी भी मादी हिस्सी मानवी वसफ को देख के वो तहरुक ना हो, और अगर तहरुक होगा ना, उसकी तहरीक पैदा होगी इसके दिल में, वो इतनी मुस्बत होगी कि वो कहेगा यार अल्लाह यबारक फीक, अल्लाह बरकत दे यार आपको, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जुमले निकलेंगे सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह। ये है जो इत्मीनान के जुमले हैं यार, कितनी जबरदस्त बात है कि अल्लाह कितना हसीन है और जबरदस्त है। वो हरकत मनफियत में नहीं जानी चाहिए, यहां से गेम शुरू होता है।